हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 14 मार्च और आज है सैटरडे और अभी जो टाइम हो रहा है शाम की 6:30 और मैं जा रही हूँ वॉक करने। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर लूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी क्योंकि अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। और वैसे भी गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में कोरोना वायरस फैल चुका है और सभी लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी वैसे तो सभी बोल रहे हैं घर में रहो, बाहर मत जाओ, लेकिन इतना हमें नहीं लगता कि क्योंकि पूरा दिन तो हम घर में ही रहते हैं तो इसीलिए शाम का ही टाइम होता है घूमने का, तो थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ के लिए घूमना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं वॉक करने जा रही हूँ, मेरे घर से ही जस्ट थोड़ी सी आगे पे पार्क है तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी चलिए, वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर लिया अपनी, देखती हूँ इस वीडियो का एंड मैं कब करूँगी। तो चलिए, आप लोग भी देखिए पार्क, मैं अपने यहाँ का पार्क आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो दिखाना क्या है बट फिर भी दिखाऊंगी। तो गाइस, पार्क में आ चुकी हूँ मैं और आप लोग ना, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग मेरे फेस को बिल्कुल माइंड मत करना क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करके घर में नहीं रहती हूँ, सिंपल से रहती हूँ। तो अभी भले ही पार्क में आई हूँ लेकिन मेकअप शेकअप कुछ नहीं करती हूँ, बस सिंपल सा बन के पार्क में आई हूँ। और यहाँ पे गाइस, आज का वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, शायद से यहाँ पे शाम को बारिश आएगी। ये है हमारा पार्क, अभी हम पार्क में आ चुके हैं। तो ये हस्बैंड जी जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे गुड़गांव का पार्क, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का ये पार्क है। और मैं हमेशा शाम को यहाँ पे वॉक करने आती हूँ क्योंकि पूरा दिन घर में रहती हूँ ना, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, पूरा दिन घर में रहती हूँ तो वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आती हूँ यहाँ पे हमेशा शाम को। बाकी आप लोग खुद ही देख लीजिए। और आप लोग देख सकते हैं मैं स्लीपर ही पहन के आई हूँ, मैंने शूज नहीं पहने क्योंकि आजकल थोड़ा गर्मी होने लगी है तो पाँव में मेरी खुजली हो जाती है, इसलिए मैं नहीं लेके आई हूँ शूज, स्लीपर ही पहन के आई हूँ। बाकी कुछ इस तरीके का है गाइस, मौसम देख लीजिए आप, कितना अच्छा मौसम हुआ है यहाँ का। पॉल्यूशन भी है लेकिन मौसम अच्छा है, यहाँ हवा चल रही है। मे भी आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए बादल लगे हुए हैं, मे भी यहाँ पे बारिश आ सकती है शाम को यानी कि रात को। ये देखिए गाइस, यहाँ पार्क में ये थोड़े से फूल और रखे हैं, वैसे तो बहुत होते हैं यहाँ पे लेकिन आजकल नहीं हुए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, अभी हो रही है सुबह की 7 और आज संडे है और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे धुंध हो रही है। जस्ट अभी उठी हूँ मैं, आप लोग मेरी आवाज़ से लगा ही सकते हैं मैं अभी उठी हूँ। और मुंह पे देख लीजिए आप, सुबह सुबह उठ के मुंह भी अजीब सा हुआ रहता है। तो बस अभी उठी हूँ, अभी थोड़ा चाय पीऊँगी, उसके बाद नहा धो के फिर संडे का जो रूटीन है वो करेंगे। तो देखिए आप लोग भी, यहाँ पे वेदर कितना ठंडा हो रखा है, आज तो बहुत ज़्यादा धुंध यहाँ पे हुई है देखिए। मॉर्निंग में देखो आप लोग, फूल खिल गए हैं, ये देखिए गेंदा के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस, मैं आ चुकी हूँ चाय पी के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था अभी मॉर्निंग में मैंने चाय पी है और अभी जस्ट मैं नहाऊंगी धोऊंगी। और वैसे भी आज मेरा कोई काम नहीं है, मतलब झाड़ू पोछा कपड़े कुछ नहीं करने आज, ऑलरेडी मैंने कल का करा हुआ है तो वो तो मैं नहीं करूँगी आज। बाकी गाइस, मैंने आप लोगों को वेदर बोला था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, देखिए
खुद ही देख लीजिए आप लोग, इतनी ज्यादा धुंध हुई है ना। और वैसे भी गाइज ये धुंध जो इतनी आई है, इस धुंध के कारण काफी सारे लोग बीमार हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी जस्ट मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो यही गुड़गांव में जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी के आसपास एक पीजी कॉलेज है, तो वहां पे भी कोरोना वायरस का एक मरीज पाया गया है। तो अब तो डर लग रहा है कि कोरोना वायरस हमारे इतने आसपास आ गया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं फैलेगा, लेकिन अब बहुत डर लग रहा है। अब तो बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी लोग बाहर ना जाएं, घर के अंदर रहें। सच में मतलब अब ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम बाहर घूमने भी गए या फिर ये जो हवा चल रही है, जो ये धुंध है, इन्फेक्शन, मतलब ऐसा लग रहा है इन्फेक्शन की वजह से हमें भी कुछ ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। अभी सुबह ये न्यूज़ पढ़ के मतलब मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसा भी हो गया है। इतने पास पे हमारे घर के पास कॉलेज है एक, वहां पे कोरोना वायरस का एक मरीज पाया गया। बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई ये कोरोना वायरस, इसीलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी गाइज, आप लोग जहां कहीं के भी हो घर से बाहर ना जाएं, और अगर जाते भी हो तो मास्क लगा के जाएं, या फिर किसी को आप लोग मिलते भी हैं तो हाथ न मिलाएं, बस नमस्ते कर लीजिए। और अगर आप लोग हाथ मिलाते हैं तो अपने पास आप लोगों ने सैनिटाइज रखना है। और अगर आप लोगों को कोई भी मरीज या कोई भी इंसान दिखे कि खांस रहा है तो उससे आप लोग 1 किलोमीटर की दूरी पे रहें, क्योंकि गाइज यही वो सिम्टम है जिनकी वजह से कोरोना वायरस हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी ध्यान रखूंगी। बाकी अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, अभी मैं थोड़ा नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ मेरा आज कोई काम नहीं है, बस खाना बनाने जाऊंगी नीचे। मे भी आज हम पोहे बनाएंगे, अगर हो पाएगा तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, अदरवाइज पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए नहा के मिलती हूँ आप लोगों को। सो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैंने जो ये कुर्ती पहनी है, ये कुर्ती मैंने ली थी लाइम रोड ऐप से, और काफी अच्छी मुझे ये कुर्ती लगी। और अभी इस कुर्ती को मतलब मे भी 2 साल हो गए हैं, और बहुत अच्छी कुर्ती है, बिल्कुल भी कपड़ा इसका खराब नहीं हुआ, प्योर कॉटन का ही कपड़ा है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और गाइज मैंने अपना स्किन रूटीन भी कर लिया है, और वो मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और हाँ, आप लोग सोचेंगे कि मैंने बाल नहीं धोए हैं, और मैं बोल रही हूँ मैं नहा गई हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं वीक में एक बार ही अपने हेयर वॉश करती हूँ, अदरवाइज मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज्यादा लॉस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टूट चुके हैं मेरे बाल, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करती हूँ। और वैसे भी वीक में एक बार ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आप लोग करते होंगे रोजाना तो वो अलग बात है, लेकिन मैं वीक में एक ही बार हेयर वॉश करती हूँ। तो मैं एक अभी बॉडी लोशन लगा रही थी, बहुत अच्छा बॉडी लोशन मुझे लगा, मैंने पूरा विंटर इसी बॉडी लोशन को लगाया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगर आप लोग भी इस बॉडी लोशन को लगाओगे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बॉडी लोशन है गाइस, निविया का ऑयल इन लोशन वनीला आमंड ऑयल, ये बॉडी लोशन है, और देख सकते हो आप लोग मैंने ये दबा दबा के इसको कैसा कर लिया है। तो मैंने ये अभी विंटर में स्टार्ट किया था, और बहुत अच्छा मुझे ये बॉडी लोशन लगा। और अभी ना मैं इस बॉडी लोशन को अपने हाथ पांव पे लगाऊंगी, तो इतनी क्वांटिटी में हमें लेना है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी है गाइस, ये देखिए बहुत ज्यादा क्रीमी है ये, तो इतनी क्वांटिटी में ही हमें लेना है। तो मैं इसे अपने, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, और मेरे हाथ बहुत ज्यादा टैन भी हो गए हैं, क्योंकि मैं गाँव गई थी ना, तो पूरे हाथ पाँव ऐसे काले हो गए थे, क्योंकि वहां का मैंने आप लोगों को बताया था वहां का वेदर थोड़ा अलग है, ठंड की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हाथ पांव काले हो जाते हैं। तो ये देखिए गाइस बहुत ज्यादा सॉफ्ट, इसको लगाने से ना मतलब एकदम स्मूथ सा लगता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और गाइस इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना उसके तो क्या बात करूं। तो अभी मैं थोड़ा अपने पांव पे भी लगाऊंगी, मेरे पांव भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और ले लूं, ये देख सकते हैं आप लोग, विंटर के लिए तो बहुत अच्छा है गाइस ये। वैसे भी बॉडी लोशन बहुत कम लोग ही समर में यूज करते हैं, अदरवाइज लोग ज्यादा विंटर में ही यूज करते हैं, तो विंटर में यूज करने के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मैंने ये काफी यूज किया तो मुझे अच्छा लगा, नहीं तो ये मतलब अगर आप लोग समर में इसे लगाते हैं तो समर में ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सक्सेस हो पाएगा,
इसीलिए विंटर में आप लोग इस बॉडी लोशन को ले सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैंने लगा लिया ये बॉडी लोशन। और बाकी गाइस अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। वैसे तो हम सोच रहे थे पोहा बनाएंगे, तो देखती हूँ अगर पोहे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई तो ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये प्याज कट करके रख दिए हैं, कुछ शिमला मिर्च कट करके रख दिए हैं और कुछ टमाटर मैंने लिए थे वो भी कट करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मटर भी ली हुई है, क्योंकि मटर डाल के पोहे का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैं अब इसमें सरसों के बीज डाल दूंगी, क्योंकि सरसों के बीज ही बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है पोहे में। अगर हम जीरा की जगह पे सरसों के बीज इसमें डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने तेल में इसे डाल दिया है, मैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सरसों के बीज डालूंगी। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने जो प्याज कट करे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है, जैसे हम दाल वगैरह या सब्जी में प्याज पकाते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा प्याज नहीं पकाना होता है, बस हल्का सा ही प्याज यहाँ पे पकाना होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें मटर डाल दी हैं और मैं मटर को भी थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि मेरे जो मटर हैं वो जल्दी पक जाएं, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिए हैं कि मटर हमारी थोड़ी सी गल जाए। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने शिमला मिर्च और टमाटर जो काटे हुए थे वो भी दोनों एक साथ डाल दिए हैं, क्योंकि शिमला मिर्च और टमाटर दोनों बहुत ही जल्दी गल जाते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता है, बट थोड़ा मटर में हमें टाइम लग जाता है। अब गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं इनमें मसाले डालूंगी, तो मसाले में मैंने सबसे पहले हल्दी डाली है यहाँ पे, उसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल रही हूँ यानी कि गर्म मसाला डाल रही हूँ, साथ में मैंने धनिया पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा मैगी मसाला लिया हुआ है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैगी मसाले से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, किसी भी चीज़ में अगर हम मैगी मसाला डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी और कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो ये मेरी जो भी मैंने इसमें इन्ग्रीडियंट्स डाले हुए हैं ये अच्छे से पक जाएँ। अब गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारी जो सब्जियां हैं वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। अब मैं इसमें पोहा ऐड करूंगी, पोहे को मैंने पहले ही पानी से धो लिया, तो यहाँ पे मैं पोहा ऐड कर रही हूँ। और आप लोग ये मत सोचना गाइज कि कितना ज़्यादा बना रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी हर वीडियो में कि मेरी फैमिली में ज़्यादा मेम्बर हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो अब मैं इस सारे मसालों को इस पोहे में ऐड कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं हमारे मसाले पोहे में अच्छे से ऐड हो चुके हैं। ये देखिए आप लोग बहुत ही प्यारा हमारा पोहा आप लोगों को दिख रहा होगा। लोग सोचेंगे कि इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने मसाला जैसे बताया है आपको मैं ज़्यादा मसाला नहीं डाला हुआ है, हमें ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है तो हल्का फुल्का ही मसाला डाला है, क्योंकि संडे का जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है वो हल्का फुल्का ही होना चाहिए और हेल्दी भी होता है ये नाश्ता। अगर हम ज़्यादा उसमें मिर्च मसाले तेल वगैरह डाल देंगे तो उससे क्या होगा, भले हम स्वाद के लिए उसे खा लेंगे लेकिन वो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए मसाले कम रखो। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमारा पोहा बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो गाइज देखा आपने पोहा मैंने किस तरीके से बनाया, पोहे की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से पोहे बना सकते हैं, वैसे हम नॉर्मली ऐसे पोहे बनाते हैं, मे बी आप लोग भी ऐसे ही पोहे बनाते होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दोपहर की एक नहीं डेढ़ बजने वाली है और मैं अभी बैठी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग लैपटॉप पे, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। चलिए गाइज अब मैं कुछ देर में लंच करने जाऊंगी, हमारा लंच बन चुका है कल से मैंने ये वीडियो शूट की थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को मैं एंड कर दूं। आप लोगों को कैसी मेरी आज की ये वीडियो लगी अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग दिखने को मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे प्रोडक्ट के। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।